घटना हुई है वो बहुत दुर्दैवी घटना है। दो इनोसेंट लोगों की उसमें जान गई है। ये बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे हैं ये, जिनके हाथ से हादसा हो गया है। मैं परिवार को अच्छे से जानता हूँ। उनके जो दादा है, जिन्होंने उनकी गारंटी ली है बच्चे की जमानत करते रहे, वो खुद एक क्रिमिनल आदमी है। वो अंडरवर्ल्ड से पूरा जुड़ा हुआ है। पूरा फैमिली इनका पूरा अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, क्या कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड के जब? क्योंकि 2009 में मेरे ऊपर, मैं शिवसेना की तरफ से चुनाव को खड़ा था वड़गांव शहरी मतदार संघ से, विधायक के इलेक्शन को। वही टाइम पे मेरे से छोटा राजन के को बोल के, यही नाबालिग के दादा है, ये नाबालिग के दादा ने छोटा राजन जी को सुपारी दिया था मेरे को मारने के लिए। और छोटा राजन के लोगों ने आके ऊपर मेरे पे गोलीबार भी किया था। इधर जो मेरे जो गाड़ी चलाने वाला मेरा दोस्त है शकील, उसके छाती में गोली भी लग गई थी। ये जो नाबालिग लड़का है, इसके दादा ने ये सब करवाया था। तो उनके दादाजी का छोटा राजन से मुलाकात होती थी, या उसके बारे में भी आपको कुछ दावा? हाँ, वो जाके उनको बैंकॉक में मिलके भी आए थे। बैंकॉक में खुद जाके मिलके, जो छोटा राजन जी के कोई साथी है उनके थ्रू ही वो बैंकॉक में गए थे। उधर जाके उनसे मिलके बात करके उनको कुछ पैसा दिए, 20-25 करोड़ रुपए वो देके उन्होंने सुपारी दी थी मेरे को मारने के लिए, ये नाबालिग लड़के के दादा ने। क्यों सुपारी दी थी? आपके साथ क्या विवाद था उनका? मेरा रेसिडेंसी क्लब उनका ही है। रेसिडेंसी क्लब है शेरिटन होटल, महाबलेश्वर का शेरिटन क्लब या कुछ तो भी है, बड़ा होटल है, सब इनका ही है। ब्रह्मा बिल्डर्स करके पुणे में है। तो मैं रेसिडेंसी क्लब में मेंबर हूं। मैं मेंबर में है करके मेरा उधर जाना आना होता है। मैं जिम के लिए इधर जाता हूँ, स्विमिंग के लिए जाता हूँ। तो वही टाइम पे राम अग्रवाल के साथ में मेरी दोस्ती, बोले तो ये जो नाबालिग के दादा है उसके भाई के साथ में मेरा अच्छे से दोस्ती हो गया, पहचान हो गया। तो वही टाइम पे 2007-08 के साल में ये दोनों भाइयों का झगड़ा चालू हो गया था, नाबालिग का दादा और उसका भाई, पैसे के ऊपर से। इनका कुछ 1500 करोड़ रुपए का कुछ पैसे का लेन देन था, भाइयों भाइयों का बंटवारा। उसमें से ये नाबालिग का जो दादा है उसका भाई उसको उसका पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए उसने क्या किया, ये नाबालिग के दादा ने अपने भाई की जो बहू है वो बहू को मैनेज करके उनके ऊपर विनय भंग का केस दर्ज किया। वो केस दर्ज करने के बाद में वो पूरा फैमिली 15-20 दिन पुणे से भाग गई। पूरा तो उसके भाई की बीवी, उसका बच्चा, उसके दो लड़की, दो दामाद पुणे छोड़ के भाग गए। फिर वो वही टाइम पे भी वो पुलिस को मिले नहीं। 20-25 दिन के बाद में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल पे जमानत पे आए। फिर वापस आने के बाद इनका वापस से झगड़ा चालू हो गया, वो नाबालिग का दादा और उसका भाई का, ये पैसे के वजह से ही। तो वो टाइम पे मेरे को छोटा राजन जी के फोन आने के 7-8 साल में, क्या भाई दोनों भाई लोग का झगड़ा है, घर में बैठ के मिटा दो। मैं जाके राम अग्रवाल को, उनके भाई को बोला भी, जो नाबालिग के दादा है उसके भाई को, क्या भाई ऐसा ऐसा मेरे को फोन आया है और उनको भी फोन आने का छोटा राजन जी का। तो मैं बोला बैठ के घर में तुम्हारा विषय खत्म कर दो, मिटा दो, घर का झगड़ा काय को तुम ये करते। नहीं बोले, उसने मेरे ऊपर जो इल्जाम किया है मेरे बहू का विनय भंग किया करके, अभी मेरे को उसके साथ में कुछ बैठने का नहीं, कुछ सेटलमेंट करने का नहीं। अभी छोटा राजन आने दो, नहीं तो कितना बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन आने दो। मैं भी 100-200 करोड़ रुपए खर्चा करेगा और छोटा राजन की सुपारी मैं दुबई में जाके देगा, ऐसा उसने बोला। मैं बोला अभी ये एकदम लास्ट स्टेज को गए दोनों, हाँ दोनों लास्ट स्टेज को गए बोला ये दोनों भाई, इनके साथ में बैठ के बात करने में कोई मतलब नहीं है करके मैं इनका ये छोड़ दिया। इसी के बारे में फिर छोटा राजन ने मेरे पे ये टाइम पे फायरिंग किया। मेरा केस तो 2009 से पेंडिंग है अभी भी। रोज हर हफ्ते को हमको मुंबई जाने लगता है, हर हफ्ते को। आपको लगता है कि आपको जस्टिस मिला, अब तक नहीं मिला? अभी तक तो मिला ही नहीं, और मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये भी बोल नहीं सकता है मैं। ये जो केस हुआ है इसमें आप जैसे वो नाबालिग अब उसको रिमांड होम में भेजा है और इसमें कई लोग जो आ रहे हैं विटनेस, आपको लगता है कि इसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है, इस परिवार के द्वारा दबाव बनाया जाए? बना सकते हो दबाव, वो कुछ भी कर सकते हैं उनके ऊपर। कभी पुलिस ने अभी पेपर में एक ये तो भी दिया आर्टिकल के, भाई ये फैमिली के बारे में किसको किसको कुछ तकलीफ हुए है, उन्होंने आके हमारे पास कंप्लेंट दो, तो कितने लोग आएंगे देखो तुम, कितने लोगों को मारा इन्होंने, कितने लोगों को, तो अभी उनका तो क्या बोलते ना लापता, खून करके लापता भी किए इन लोगों ने लोग।